Assalamualaikum guys, this is Muzammil Qureshi here and you are on my channel Daily Swag. तो guys, आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर लेकर guys आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। बस टॉपिक मेरा आज का ये है, तुर्की जिसे हम मुस्लिम उम्मा कहते थे, मुस्लिम ब्रदर कंट्री कहते थे, और हम ये भी कहते थे कि तुर्की हमारे शाना बशाना हर एक काम के अंदर पाकिस्तान का साथ देता है, लेकिन कश्मीर का मौकिफ हो या कोई भी मौकिफ हो, तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। लेकिन गाइस अभी Y20 की मीटिंग को अटेंड करने के लिए तुर्की का सफीर जा रहा है इंडिया, तो हमारे सफीर ने बहुत ज्यादा कोशिशें की तुर्की के सफीर को रोकने के लिए कि हमारे रिलेशन इंडिया के साथ अच्छे नहीं है, आप कश्मीर के मौकिफ को लेकर पाकिस्तान का साथ दे। लेकिन तुर्की ने यह कहा कि हम दुनिया के साथ रिलेशन बेटर करना चाहते हैं, हम कश्मीर के मामलों के ऊपर इंडिया का साथ देंगे। ये तुर्की खुलकर बोल रहा है दुनिया के आगे। अभी क्या वजूहत है कि इंडिया का डंका भी तुर्की पर भी बोल पड़ा? तुर्की क्यों इंडिया का साथ दे रहा, पाकिस्तान का साथ क्यों नहीं दे रहा? इन सब सवालों के जवाब दूंगा गाइस आज की इस वीडियो के अंदर। देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है, आइए मेरे साथ। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। सर नाम आपका? गुलाम फारूक। सर करते क्या आप? सिक्योरिटी गार्ड में ड्यूटी करता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड है। कैसा हालात चल रहे हैं, कैसा मुल्क जो आजकल आप देख रहे हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं हर जगह पर, तो इन चीज सबको देखते हुए आपको कैसा लग रहा है, गुजारा कैसे हो रहा है, क्या ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है, क्या कहना चाहेंगे? भाईजान सीधी बात है, इस मुल्क में कोई कानून नहीं, कोई रूल नहीं है, जिसके पास पैसा है वही बदमाश है, वही सब कुछ कर रहा है, गरीब के लिए इस मुल्क में जीना आराम है। अच्छा, मतलब कि जब हम छोटे थे तो हम समझते थे, हमें बड़े बताते थे कि जुल्म होता है, जुल्म तो शेलिंग होती है, शेलिंग बर्मा के अंदर मुसलमानों पे हो रही है, तो यहाँ पर भी तो शेलिंग हो रही है मुसलमानों पर, इसको क्या कहेंगे आप? इसमें तो ये मुसलमानों वाले इनमें काम ही नहीं है, ये सब यहूदियों वाला काम कर रहे हैं। ये अगर मुसलमान होते तो मुसलमान की जान न लेते। हमारे मतलब ये नहीं कहता कि किसी के बेगुनाह की जान लो। सर एक जब भी मरते है, गरीब मरते है, अमीर अपने घरों में कोठियों में बैठे हैं और सियासत अपनी चमका रहे हैं, इनका क्या जान है? मरेंगे तो गरीब मरेंगे, भूख लगेगी तो गरीब भूख से मरेगा, अमीरों का क्या होना है? सही बात है, ये सिर्फ मुल्क को लूटने वाले लोग हैं बस, और इनका कोई मकसद नहीं है, कोई इनके बाप का मुल्क नहीं है, सबका मुल्क है, एक गरीब है उसका भी पाकिस्तान मुल्क है। इन्होंने कौन सी इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं? गरीबों ने दी हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। गरीब खानदान के आर्मी में आते हैं, अमीर नहीं आते आर्मी में। सही बात है सर। सर आपको पता है कि एशिया का सबसे महंगा तरीन मुल्क इस टाइम पाकिस्तान बना हुआ है? पाकिस्तान है जी, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कि ऐसा हालात रहे तो ये जो गरीब लोग है ये मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे और कत्लो गारे करेंगे, चोरियां करेंगे। सर आपने जो शेलिंग वगैरह सर एहतजाज वगैरह देखा था? देखा था, बिल्कुल देखा है जी। सर ये एहतजाज देखते हुए आपको क्या लगता है, जुल्म पाकिस्तान में ज्यादा हो रहा है कि कश्मीर में ज्यादा हो रहा है? ये सबसे ज्यादा पाकिस्तान में हो रहा है, कश्मीर में इतना नहीं हो रहा, हालांकि वो गैर मजहब है, वो इतना जुल्म नहीं कर रहे जितना हमारे मुसलमान कर रहे हैं। सर इंडिया में ज्यादा हो रहा है कि यहाँ पे ज्यादा हो रहा है? इस वक्त पाकिस्तान सबसे नंबर वन जा रहे जुल्म के लिहाज से। सर सर हमने पाकिस्तान क्यों अलग लिया था, किस लिए लिया था, क्या हमने लेने पर आज खुश है हम पाकिस्तान? पाकिस्तान हम अच्छे अच्छाई के लिए लिया था कि हम आजाद होंगे, मुसलमान हैं, हमारा अलग मुल्क होएगा, हमें कोई परेशानी नहीं होगी, गैर मजहबों से जान छूट जाएगी, मगर वो नहीं, जो हमारे कैद ने किया था इन लोगों ने आके मुल्क बेड़ा गर्क कर दिया है, ये सब लूटने वाले हैं, कोई इनमें अच्छा इंसान नहीं है। सर आज इंडिया हमें देखकर क्या महसूस करता होगा, आज इस हालात में इंडिया तो दुनिया का चौथा पांचवा बड़ा मईशती लिहाज से बड़ा मुल्क बन गया है, आज हम देखें कहां पर है, आज इंडिया में देखकर क्या महसूस करता होगा? मैं आपको ये बताता हूं कि दुनिया के ये वैर मुल्क है पाकिस्तान में, जिसमें हर चीज पैदावार है। की कश्मीर की जानिब से G20 के बारे में तो सबने सुना है, लेकिन एक और नई खबर सामने आ रही है और वो ये है की कश्मीर यूनिवर्सिटी में Y20 की मीटिंग की गई है, जिसमें 10 कंट्रीज के 17 डेलीगेट्स ने शिरकत की है, और सबसे बड़ी बात ये कि तुर्की जो पाकिस्तान का कश्मीर पर साथ देता था, स्टैंड लेता था पाकिस्तान के साथ कश्मीर पर, उसने भी इस मीटिंग को ज्वाइन किया है, तो सर क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए निमराज जी, मैंने आपको पहले ही दो तीन इंटरव्यू से बताया, आज फिर से मैं एक बार आपको रिपीट कर लेता हूँ कि आज जो दुनिया है वो खाली पीसफुल एटमोसफेयर चाहती है, वो डेवलपमेंट चाहती है, जहाँ पे भी बिजनेस उनका चल रहा है बिजनेस करना चाहती है, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ जुड़ना चाहती है, जो रिलेशंस खराब हुए थे पास्ट इसमें, चाहे बिजनेस के रिलेटेड हुए थे या सिचुएशन के हिसाब से हुए थे, लेकिन आज हर एक कंट्री जो है आगे आ रही है, टेक्नोलॉजी में आ रही है, डेवलपमेंट में आ रही है,
आज हर एक कंट्री चाहती है कि हमारे रिश्ते जो है एक दूसरे हमसाया मुल्क जो है कंट्री जो है देश जो है फॉरनर्स के साथ एशियन एशियन की जितनी भी कंट्रीज है उनके साथ हम बिजनेस रिलेशन कैसे क्रिएट करें ताकि एशिया के साथ साथ जो इंटरनेशनल कंट्रीज है उनके साथ जो है बिजनेस जो बिजनेस का जो कनेक्शन है वो कैसे बढ़े, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट जो हुई है या बाकी जो टेक्नोलॉजीज बाहर है इंटरनेशनल क्या ग्लोबली देख रहे कि वो कितने हमसे आगे है, वहां पे सोलर गाड़ियां है, वहां पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, उनको कैसे हम अट्रैक्ट करें, हम भी वहां पे कुछ सीखे, हमें भी वहां से कुछ मिले, ताकि जो कंट्री है वो आगे जाए, अपने लोगों के लिए अपने जो देश के लोग हैं उनको कैसे आगे लिया जाएगा हर एक प्लेटफॉर्म में, चाहे हम एजुकेशन की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हर पीसफुल एटमोसफेयर बना हुआ है तो कैसे नई नई जो है इजादें की जाए, कैसे कैसे नई डेवलपमेंट्स की जाए, तो उसी में आप देख लीजिए कि कश्मीर घाटी में जम्मू कश्मीर घाटी में भी अब G20 समिट मीटिंग जो है 22 मई से लेकर 24 मई तक होने। नाम आपका? मोहम्मद यूसुफ बाजवा। सर क्या करते हैं आप? मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। सर बाजवा नाम है आपका? हाँ बाजवा है। अच्छा आई एम प्राउड ऑफ बाजवा। जबरदस्त होगा सर, अभी बाजवा पर इल्जाम भी बड़े लग रहे हैं इमरान खान साहब के शाइन से, उनके तो बारे में क्या कहेंगे? नहीं मैं किसी पर्सनैलिटी को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, इसमें समझने वाली बात यही है कि एक घर की मिसाल से मैं इसको लेता हूँ। जी जी जी। कि एक घर का जो जिम्मेदार है वो उसका सरबरा है। जी। यानी अगर कोई वालद है तो वो सरबरा है। अब उस बंदे के बच्चे भी हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। जी। तो उनके एटीट्यूड का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसके सरबरा के ऊपर आती है। बिल्कुल। सरबरा मतलब है कि जिसकी अथॉरिटी है घर को सीधा करने की। तो यहाँ पर जो हो जिम्मेदारी आती है हमारे मुल्क के जो इस यहाँ तक हालात पहुँच गए हैं वो उन साहबान के ऊपर है जिनके पास पावर है लेकिन वो इनको एग्जीक्यूट करना नहीं चाहते, तो उनका ये एटीट्यूड बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल सही। तो जिनके पास पावर है वो इनके जिम्मेदार है। हमारा भी रोल आता है, यानी जो अगर घर की औलाद अच्छी हो तो उसका जो घर का एक ना इमेज सामने आता है कि ये अच्छा घर है, लेकिन अच्छे घर को बुरे घर से अच्छे घर में जो तब्दीली है उसमें मेन रोल उसके सरबराह का है। बिल्कुल सही होगा। तो हमारा जो मुल्क है ये भी एक फैमिली की तरह है, तो जो इसका सरबराह है रियासत माँ की तरह, सरबराह जो है मैं मुराद उस शख्स से ले रहा हूँ जिसके पास पावर है जो इसको करेक्ट कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन वो करेक्ट कर नहीं रहा, मेरे ख्याल में वो कल्प्रेट है, वही जिम्मेदार है इन सारे हालात का। बिल्कुल सही हो गया सर। जिस तरह की सिचुएशन हम देख रहे हैं अभी Y20 की एक मीटिंग हुई है कश्मीर के अंदर, हम इस्लामी ब्रदर्स कहते थे हम मुस्लिम उम्मा सब एक है, तो तुर्की जो पाकिस्तान के शाना बशाना हर एक स्टेटमेंट के ऊपर पाकिस्तान के साथ देता, हर एक मसाइल के ऊपर हर मुश्किल के ऊपर पाकिस्तान के साथ देता था, लेकिन अब Y20 की मीटिंग के अंदर वो इंडिया के साथ ज्वाइन करने गया, ये मीटिंग जो है वो कश्मीर के अंदर रखी गई थी, क्या हम ये समझे कि तुर्की अभी कश्मीर के मौके को भूल गया, मुस्लिम उम्मा को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो तुर्की भूलकर अब इंडिया के साथ दे रहा, हम ये समझेंगे क्या वजुहत है कि पूरी दुनिया अभी आप सऊदी अरेबिया जैसे कंट्रीज देख लें, अभी आप गल्फ जितने भी कंट्रीज देखेंगे सब इंडिया के सपोर्ट करते हुए नजर आएगी और कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट करती हुई नजर आएगी, क्या वजुहत है, हम बोलते जा रहे हैं कि हमारा मकसद क्या है? हमारी जो यहाँ पे अप्रोच है ना वो टोटली इसको इंडिविजुअल पे मैं कहूँगा। हेलो दोस्तों, फैक्ट एंड अनफैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों पाकिस्तान दुनिया के हर देश के पीछे पड़ा था कि वो कश्मीर में होने G20 के इवेंट्स में कोई भी देश ज्वाइन ना करे, लेकिन हाल में ही अभी वहाँ Y20 हुआ है और वहाँ सभी मेंबर कंट्री के लोगों ने विजिट करा है। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि टर्की ने भी इस मीटिंग को ज्वाइन करा है। सुनने में आया है कि टर्की को पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स ने पूरा कोशिश किया था मनाने का कि वो इस इवेंट को ना ज्वाइन करें क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का फ्रेंडली कंट्री नहीं है, उसके बावजूद टर्की ने इस इवेंट को ज्वाइन किया है और जैसे ही पाकिस्तान के लोगों को ये बात पता चली वैसे ही वो अपने सरकार को कोसने लगे। यहाँ पे आप देख लीजिए कि देश के टॉप 20 कंट्रीज यहाँ पे आएंगे, वो भी अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर करेंगे, हम भी कुछ देर सीखेंगे उनसे, एंड स्पेशली जम्मू कश्मीर रिप्रेजेंट होगा ग्लोब लेवल पे, रिप्रेजेंट होगा, आप देख लीजिए कि उससे कश्मीर के लोग जो जो उससे कितना फायदा मिल सकता है,
एंड रिसेंटली कल यहाँ पे वाई ट्वेंटी की मीटिंग जो कश्मीर यूनिवर्सिटी में हुई, उसमें आप देख लीजिए कि मोर देन 17 डेलीगेट्स ने जो फॉरनर्स है उन्होंने हिस्सा लिया, इवन उनमें टर्की भी है। आप देख लीजिए टर्की जो है वो पाकिस्तान के साथ उनके रिलेशन कितनी अच्छी थी, लेकिन उनके जो बिजनेस हमारे इंडिया के साथ उनके बिजनेस है, तब उन्होंने वो नहीं देखा कि पाकिस्तान जो है G20 के खिलाफ थे, चलो मैं पाकिस्तान का साथ दे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी चाहते हैं कि कैसे टर्म्स एक दूसरे के साथ ठीक हो, कैसे हम बिजनेस आगे बढ़ाए, कैसे कंट्री को जो है इकोनॉमिकली ऊपर ले जाए, चाहे GDP की बात करें, बाकी बहुत सारे इंटरनल मैटर्स है उनको कैसे सुधारा जाए, वो भी कल यहाँ है। उन्होंने भी यहाँ के लोगों से मिले, अपने विचारधारा जो है उन्होंने यहाँ पे शेयर की, यहाँ के लोगों के साथ बात की, या इवन यहाँ के स्टूडेंट जो कश्मीर यूनिवर्सिटी के उनके साथ भी बात की। कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डेवलपमेंट मैं मानता हूँ पूरे विश्व में, जहाँ पे भी G20, इससे पहले सऊदी अरबिया में हुआ, वहाँ पे भी बाकी कंट्रीज के लोग गए, अब इंडिया में हो रहा है, इंडिया में भी लोग गए, इंडिया के विचारधारा जो उन्होंने सुने, हमने उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं पॉजिटिव रेस्पॉन्स डेवलपमेंट मानता हूँ जिस देश में भी होगा। और मैं चाहता हूँ कि क्या पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लोगों को भी ये दिमाग में आए कि दुनिया कहाँ जा रही है, हमें वो पास छोड़ के हमें जो वहाँ पे माहौल बना हुआ है, सिचुएशन बनी हुई है, उसको एसआई छोड़ के हम भी कहीं ना कहीं बाकी मुल्कों के साथ रिलेशन अपने अच्छे बनाए, हम भी टेक्नोलॉजी में आगे जाए, हम भी डेवलपमेंट में आगे जाए, हम भी अपने लोगों को, स्पेशली मैं पाकिस्तान के लोगों की बात कर रहा हूँ, उनको भी हम जो है पीसफुल रहने दे, पीसफुली रहने दे, उनको भी सुकून दे, वो भी। सर थैंक यू सो मच नेचुरल विद यू। पाकिस्तान एक अमनो अमान वाला मुल्क जो हमने जिसको हमने इंडिया से अलग किया, तो आज जब ये हालात देखते हैं तो कैसा दिल पे गुजरती है, क्या सोचते हैं आपके, इसका जिम्मेदार कौन है, क्या कहला जाते हैं? देखिए बात ये है कि पाकिस्तान जो है वो बड़ी मेहनत से और हमारे बड़ों ने कुर्बानी दे के बनाया था, लेकिन उसके बाद जो भी सियासतदान आए, जो भी आज तक जो है सियासतदान आए हैं, उन्होंने इसको नीचे ही लेके गए हैं, ऊपर लेके जाने वाला कोई काम नहीं है। और ऊपर से इतनी महंगाई आजकल के दौर में हो गई है कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तो बिल्कुल पिस गई हुई है, ठीक है, उसका तो बुरा हाल हो गया बेचारे का, उसका खाना भी जो है वो भी अजीरन हो गया हुआ है। ऊपर से सियासी हालात इस तरह से हैं कि इंसान कहता है कि मुझे कोई एक ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर जो है मैं आराम से बैठ के और कुछ नहीं तो अपना खाना ही खा सकूं, अपने बच्चों के साथ बैठ सकूं, लेकिन वो भी हमारे जो सियासतदान है और गवर्नमेंट है उन्होंने हमारे से वो भी छीन लिया हुआ है। सर अभी जिस तरह के सिनेरियो चल रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अभी भी ये नहीं मानने को तैयार है कि ये महंगाई, ये जो हालात खराब है ये उनके वजह से, वो एक दूसरे के ऊपर डालते आ रहे हैं, तो क्या सर समझते हैं आप कि इस मुल्क के अभी आगे प्रिडिक्शन आ रही है तो मार्शल लॉ भी लग सकता है, तो क्या समझते हैं कि मार्शल लॉ जब अगर लगता है तो मुल्क तरक्की की तरफ गामजन होगा? अगर आप देखेंगे तो हमारे पड़ोसी मुल्कों की तरफ आप देख ले, अगर नजर घुमा ले जो तरक्की की तरफ जा रहे हैं, इंडिया की बात कर लेते, एक भी मार्शल लॉ नहीं लगा वहां पर, क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ पर इतनी दफा लग चुका, अभी भी लगने जा रहा, इस चीज को कैसे देखते हैं आप? देखिए मार्शल लॉ, और देखिए हमारी जमहूरियत भी तो कुछ नहीं कर रही ना, या तो जमहूरियत हमारी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है तो हम जमहूरियत को सपोर्ट करें। जमहूरियत क्या है, या आप देखिए ला कानूनियत पाकिस्तान में इतनी ज्यादा हो गई हुई है कि जिसका जो दिल करता है वो कर रहा है, ठीक है। अब गवर्नमेंट के हालात देख लें कि गवर्नमेंट इतनी वो ला कानूनियत का मुजाहरा कर रही है, हर बंदे के साथ जो है वो पर्सनल हुई है, ज्यादती कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मार्शल लॉ और जमहूरियत में हमें तो कुछ फर्क नजर नहीं आता। अच्छा, ना कुछ मार्शल लॉ ने इस मुल्क को दिया है और ना ही जमहूरियत ने इस मुल्क को दिया है। आज मुल्क का ये हाल है कि देखे मुल्क में जो है गरीब के लिए कोई जगह ही नहीं है। सर तो क्या फायदा उस जमहूरियत का, क्या फायदा उस मार्शल लॉ का? हम तो बस यही कहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर रहम करे, जहाँ पे हमारा रहना जो है वो आसान हो। सर आप एक बैंकर हैं, कैलकुलेशन आपको पता होगी, इससे हम इकोनॉमी के क्या सूरत डेवलपमेंट में आगे, हर किसी फील्ड में आगे है, ये मुझे लगता है कि उनको अभी भी ऐसा, अभी भी आप देख रहे हैं कि वायलेंस कितनी हो रही है। इमरान खान जब अरेस्ट हुए तब भी वायलेंस थी, अब इमरान खान को रिलीज किया गया तब भी वायलेंस थी, अभी भी आप देख रही है ऐसी खबरें आ रही है, ऐसी वीडियोस हमने देखी जो मैंने आज तक कभी देखी नहीं है। घरों को आग लगा दी गई, गाड़ियों को आग लगा दी गई, आखिरकार वो प्रॉपर्टी पब्लिक की है ना, पब्लिक की प्रॉपर्टी, पब्लिक को ही ये वो नुकसान पहुंचा रहे। एंड इवन ये मैं मानता हूँ कि ये कर्मा है जो पाकिस्तान चाहता था कि दूसरी कंट्रीज में या दूसरे स्टेट्स में या दूसरे जिलों में हो, आज वो खुद भुगत रहे हैं। आप देख लीजिए कि आपके पाकिस्तान में 3 दिन से इंटरनेट बंद है, आप लोगों ने कितना सफर किया, कितना लॉस हुआ,
अब आप उस चीज का अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान की वजह से जहां पे 6-6 महीने स्ट्राइक्स होती थी, 6-6 महीने कर्फ्यू होता था, 6-6 महीने ब्लैक इंटरनेट ब्लैक आउट होता था, उन्होंने कैसे वो दिन गुजारे, वो 6-6 महीने उन्होंने कैसे गुजारे आप इमेजिन कर लीजिए। आज पाकिस्तान पे खुद पे बीती 3 दिन खाली इंटरनेट वहां पे बंद रहा, 3 दिन वहां पे पत्थरबाजी हुई, 3 दिन से लोग सड़कों पे आए। अब पाकिस्तान ने जब कश्मीर का इस्तेमाल किया, जब कश्मीरी लोगों को भड़काया, बहलाया, उनको सड़कों पे निकालने पे ब्रेन वॉश किया, जाओ उनके वेलविशर जो यहाँ पे थे 6-6 महीने यहाँ के लोगों ने इवन इंटरनेट क्या यहाँ के लोगों ने कॉलिंग सर्विस तक नहीं हो रही थी, फोन जस्ट एक उन्हें कहते हैं कि एक टेम्पररी बॉक्स जैसा था, फोन में सिम लगा के थी, कोई नेटवर्क ने ना कहीं इंसान कोई कॉल कर पाता था, ना इंटरनेट चला पाता था। आप देखिए उन 6 महीनों ने कश्मीर ने कितना सफर किया है वो आप देख लीजिए, अभी भी आप देख लीजिए कि पाकिस्तान में